ब्लड फ्लो करता है, दैट्स क्लियर। फर्स्ट इज आर्टरी, आर्टरी का क्या वर्क होता है, दे कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स, मतलब कि ये आर्टरी जो होती हैं हमारे ब्लड को हार्ट से रेस्ट ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचाने का वर्क करती हैं, ठीक है। मतलब कि हमारे हार्ट से हमारे पूरे ब्लड में जो फ्लो ब्लड करता है वो आर्टरीज के थ्रू ही जाता है, ठीक है ना। एस्पेक्ट एस्पेक्ट पल्मोनरी आर्टरी, जो पल्मोनरी आर्टरी होती है उसको छोड़कर ऑल द आर्टरी कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इट मींस सभी ऑल द आर्टरीज में कौन सा ब्लड फ्लो करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बट एक सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी है, आर्टरी है जिसमें कि आपका डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, इट इज़ द क्वेश्चन। ये एनसीईआरटी ने क्वेश्चन कई बार पूछा है कि हमारी कौन सी वो ब्लड आर्टरी है जिसमें कि डी ऑक्सीजन ब्लड फ्लो करता है, तो वो ब्लड तो वो आर्टरी कौन सी है, पल्मोनरी आर्टरी, ये मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें कौन सा करता है ब्लड फ्लो, डी ऑक्सीजन ब्लड करता है, और बाकी सभी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड करता है, ठीक है ना। दे हैव थिक एंड इलास्टिक वॉल, मतलब इनकी जो वॉल होती है वो थिक और इलास्टिक होती है, एंड दे हैव अ नैरो ल्यूमन, मतलब कि इनमें ल्यूमन नैरो होती है। ल्यूमन एक्चुअली क्या होती है बेटा, ल्यूमन जो होती है एक तरह की कैविटी होती है, एक तरह की कैविटी होती है, ठीक है ना। ये ल्यूमन कैविटी है, इसके अंदर ये कैविटी है, ठीक है, इसको ल्यूमन कैविटी बोलते हैं। तो इनके अंदर जो कैविटी होती है नैरो होती है, एंड आर द डीप शीटेड, ये कैसी होती है, डीप शीटेड होती है, हमारे ब्लड के अंदर डीप शीटेड होती है, ठीक है ना। एंड नाउ वीन्स, वीन्स क्या होती हैं, दे ब्रिंग ब्लड फ्रॉम द बॉडी पार्ट बैक टू द हार्ट, ये हमारी पूरे बॉडी पार्ट से बैक टू द हार्ट को ब्लड लेकर आती हैं, ठीक है ना। हमारे पूरे बॉडी पार्ट से वापस हमारे हार्ट में ब्लड को लेकर आती हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, हम वेंस बोलते हैं। एक्सेप्ट द पल्मोनरी वेंस दे कंटेन द डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक्चुअली क्या होता है, सभी वेंस के अंदर जो है वो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, ठीक है। बट हमारी एक पल्मोनरी वेंस के अंदर ही कौन सा ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, ठीक है, ओके। मतलब सभी वेंस के अंदर डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, सिर्फ एक पल्मोनरी वेंस ही है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, ठीक है। मतलब एक दूसरे का अपोजिट है, आर्टरी के अंदर ऑक्सीजन ब्लड फ्लो करता है और वेंस के अंदर डी ऑक्सीजन ब्लड फ्लो करता है, ठीक है। बट पल्मोनरी आर्टरी के अंदर डी ऑक्सीजन ब्लड फ्लो करता है और पल्मोनरी वेंस के अंदर ऑक्सीजन ब्लड फ्लो करता है, ठीक है। दे आर द थिन वॉल्ड, ये थिन वॉल्ड की होती हैं, एंड दे हैव द वाल्व टू प्रिवेंट बैक फ्लो टू द ब्लड, और इनमें इनके अंदर क्या होते हैं, वाल्व होते हैं ताकि इनमें फ्लो जो ब्लड हो रहा है, डी ऑक्सीजन ब्लड फ्लो हो रहा है वो बैक टू द वापस हार्ट के अंदर ना आ सके, तो उसको रोकने के लिए इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, वाल्व प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। दे हैव वाइल्ड ल्यूमन कैविटी, इनकी जो कैविटी होती है, ल्यूमन कैविटी होती है, वो बहुत वाइल्ड होती है, ठीक है ना, एंड कैन बी सीन फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द स्किन, और स्किन की सरफेस पर देखी जा सकती है, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, ठीक है, तो यू सपोज कैन यू सी इट, तो दिस इज द आर्टरीज, दिस इज द आर्टरीज, है ना,
ओके, इनमें कौन सा आर्टरीज में कौन सा ब्लड फ्लो करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, कौन सा ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, और पल्मोनरी आर्टरीज में कौन सा करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड करता है। इसीलिए जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो की वजह से ये किसी भी कलर की हमें दिखाई नहीं पड़ती, स्किन कलर की दिखाई पड़ती है। एंड यू कैन सी हियर सम ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर, मतलब कि ब्लू ब्लू टाइप ऑफ स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये हमारी वेन्स होती हैं, ठीक है ना। और वेन्स में कौन सा ब्लड फ्लो करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, ठीक है। तो इसी वजह से इसका कलर क्या होता है, ब्लू कलर का होता है, ठीक है। और जो आर्टरी होती हैं ये हमारी बॉडी में डीप शेडेड होती हैं, ठीक है। वेंस जो होती हैं ये हमारी बॉडी की सरफेस के ऊपर इसी आसानी से इजीली देखी जा सकती हैं। देखिए ये, देखिए ये है वेंस, ये है आर्टरी, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट इज द कैपिलरी। कैपिलरी क्या करती है, ये आर्टरीज और वेंस को जोड़ने का काम करती है, ठीक है। इट मीन्स द जॉइंट द आर्टरी एंड वेंस, आर्टरी डिवाइड्स टू फॉर्म द कैपिलरी। आर्टरी जो होती हैं वो आगे जाकर क्या, कैप्स छोटी छोटी कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है, एंड दीज कैपिलरी एक्सचेंज रेस्पिरेटरी गैसेस, ठीक है। ये कैपिलरी जो होती हैं रेस्पिरेटरी गैसेस को एक्सचेंज करती हैं, फूड प्रोडक्ट्स को एक्सचेंज करती हैं, और अदर मटीरियल जैसे हार्मोन्स वाइटामिन्स को भी एक्सचेंज करने का काम कैपिलरीज ही करती हैं, है ना, बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यूज। एंड दीज कैपिलरीज देन जॉइंट एंड फॉर्म टू द वेंस, ठीक है ना। और ये फिर क्या कैपिलरी क्या करती हैं, आगे जाकर क्या, ये बड़ी कैपिलरीज में आप मतलब छोटी छोटी कैपिलरीज होते हैं बड़ी जॉइंट होके बड़ी कैपिलरीज बना देता है, और ये फिर दोबारा से वेंस बन जाता है, ठीक है। ओके एंड ओके स्टूडेंट्स, इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट अ पंपिंग सिस्टम, इट मीन्स हार्ट। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।